अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हमना अस्कर फ्रॉम मॉर्निंग टू ग्रामर हाई स्कूल। वेलकम टू क्लास 5। आई होप यू आर ऑल वेल। बिकॉज ऑफ कोविड 19 आवर स्कूल हैज़ बीन क्लोज, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास विद इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नेम इज़ कपकेक्स। तो पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूँ, इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम है अक्सा। उसके बाबा की बर्थडे पार्टी है, तो वो अपने बाबा के लिए कुछ स्पेशल करना चाह रही है। तो वो केक ख़रीदने की बजाय वो चाह रही है कि वो अपने बाबा को खुद केक बेक करके दे। तो वो जाती है एक ग्रॉसरी स्टोर पर, वहाँ से सारे सामान लेके आती है और वो घर में आके केक बनाने लगती है, जिसमें उसकी मम्मा उसकी मदद करती है। तो अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज स्कूल हॉलीडेज। हॉलीडेज मतलब छुट्टियाँ, इन समर गर्मियों की। एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं हमसाए को, वर ऑफ ऑन वेकेशंस, छुट्टियों पर चले गए। कह रहे गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, उनके ज़्यादातर हमसाए जो हैं वो छुट्टियाँ मनाने चले गए हैं। बट अक्सा फैमिली, लेकिन अक्सा की ख़ानदान जो है, कुड नॉट गो ऑन वेकेशन, वो छुट्टियाँ मनाने नहीं गया। बिकॉज हर फादर हैड टू वर्क, क्योंकि उसके बाबा को काम करना है। हर फादर वर्क लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग आवर्स मतलब ज़्यादा देर तक। एंड कुड नॉट स्पेंड, स्पेंड मतलब सर्व करना, मच टाइम विद हिज फैमिली, उसके बाबा को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए वो अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं गुजारते। अक्सर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ जाना। एंड शी नेवर कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना। अक्सर ये बात समझ गई थी, इसलिए कभी भी उसने शिकायत नहीं की थी। एक्चुअली दरअसल अक्सर वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब चाहना, टू डू समथिंग स्पेशल, ख़ास फॉर हर फादर। अक्सा अपने बाबा के लिए कुछ खास करना चाहती थी। अक्सा मेड अप अ शॉपिंग लिस्ट, उसने ख़रीदारी की एक लिस्ट तैयार की। शी टू कॉल द मनी शी हैड इन हर कॉइन बॉक्स, उसने वो सारी पैसे जो उसने जमा किए थे निकाले। गॉट ऑन हर बाइसिकल एंड रोड टू द लोकल ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर मतलब किराने की दुकान पर, वो अपनी साइकिल पर करीबी करियाने की दुकान पर चली गई है। एट होम शी लेट, लेट मतलब रखना, ऑल द आइटम्स ऑन द किचन टेबल, अब वो घर वापस आई है तो उसने सारी चीज़ें वो किचन के टेबल पे रख दी हैं। शी वॉज वेरी बिजी, वो बहुत मसरूफ़ है। एंड शी वॉज ऑल्सो मेकिंग अ बिग मेस, और उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा और उसने वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत बिखेरी हुई हैं। दैट वॉज वेन हर मदर वॉक्ड इन, और उसी टाइम उसकी माँ किचन में आई, सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गई। एंड अ बिग एफर्ट, एफर्ट मतलब खौफजदा होना, वो थोड़ी सी खौफजदा भी हुई एट द मेस, वो सारा गन देख कर जो उसने वहाँ पे डाला हुआ था। हर मदर आस्ट, उसकी माँ ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। इट वाज अक्सर्स फादर बर्थडे एंड शी हैड इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब बुलाना, सम ऑफ हिज फ्रेंड टू सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी हैरान कर पार्टी। अब वो कह रही है कि ये बाबा की बर्थडे है तो मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया है। इंस्टेड, बजाय ऑफ आस्किंग हर मदर टू बाय अ केक, अपनी माँ को कहने के कि वो केक ख़रीदे, अक्सर वांटेड टू बेक केक कपकेक्स, अक्सर जो है वो खुद ही कपकेक बनाना चाह रही है। बट व्हेन शी लुक्ड एट द ओवन, जब उसने ओवन की तरफ देखा, अ वरीड एक्सप्रेशन, वरीड होता है परेशान करने वाला एक्सप्रेशन, तासरात, अपेयर्ड नमूदार होना, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे जो थे वो परेशानी के तासरात आए। शी नीडिड, उसको ज़रूरत थी टू मेक 32 कपकेक्स, बट ओनली 6 कुड फिट इन द ओवन, उसको 32 कपकेक्स बनाने थे लेकिन ओवन में 6 कपकेक आ सकते थे एक टाइम में। नॉट नोइंग, नोइंग मतलब जानना, व्हाट टू डू, क्या करें। शी सैट डाउन, वो बैठ गई। देन अक्सर्स मदर एंटर द किचन टू चेक अप ऑन हर, फिर अक्सर की माँ जो थी वो दोबारा किचन में आई उसको देखने के लिए। ओ व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, हर मदर आस्क, उसकी माँ ने पूछा। हाउ कैन आई बेक 32 कप केक्स, अब वो कह रही है कि मैं 32 कप केक कैसे बना सकती हूँ, द ओवन इज़ टू स्मॉल, ये ओवन बहुत छोटा है। अक्सर रिप्लाइड इन डेस्पेयर, डेस्पेयर होता है मायूस होना, अक्सर ने मायूसी से जवाब दिया। देन हर मदर बिगन टू एक्सप्लेन, फिर उसकी माँ ने उसे समझाना शुरू किया। सिंस यू हैव टू मेक 32 कप केक्स बट ओनली 6 विल फिट इन द ओवन, कह रही है कि जबकि तुम्हें 32 कप केक्स बनाने हैं लेकिन ओवन में एक टाइम में 6 आएंगे, यू नीड टू डिवाइड 32 बाय 6, कह तुम्हें इस बात की ज़रूरत है कि तुम 32 को 6 पे डिवाइड कर लो, तकसीम कर लो उनको। राइट एट द मोमेंट, उसी लम्हे पे अक्सा अंडरस्टूड, अक्सा समझ गई। अक्सा फिगर्ड आउट दैट शी नीडिड टू
डिवाइडेड 32 इंटू सेट्स ऑफ 5। फिर उसने 32 को 5 सेट्स में तकसीम कर लिया एंड शी वुड हैव 2 लेफ्ट ओवर। फिर भी उसके पास 2 कपकेक जो थे वो रह जाते बाकी। बट सिंस शी नीडेड 32 शी न्यू शी हैड टू बेक 6 ट्रेज ऑफ कपकेक्स। जबकि वो जानती है कि उसे 32 बनाने हैं। फिर उसने क्या किया, उसने 6 डिशेस पे कपकेक को डिवाइड कर लिया है। एट अ पार्टी, पार्टी में इट इज़ बेटर टू हैव एक्स्ट्रा देन नॉट इनफ। कह रही है कि ये अच्छी बात होगी कि मैं एक्स्ट्रा बना लूँ अगर वो पूरे ना आए। कह रही है कि पूरा पूरा बनाने के बजाय ये बेहतर है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बना लूँ। बिसाइड शी वाज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है पूरे एतमाद होना, दैट सम गेस्ट कुछ मेहमान वुड वांट टू हैव मोर देन जस्ट वन ऑफ आर डिलीशियस कपकेक्स। कह रही है हो सकता है वो इस बात पे पूरे एतमाद थी कि मेहमान उसके जो आएंगे वो कपकेक मज़ेदार होंगे तो वो और खाने की ख्वाहिश करेंगे, तो फिर वो उन्हें एक्स्ट्रा भी दे सकती है। तो ये आप लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरह लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।